बीत गया ये वक्त तो फिर वापस लौट नहीं आएगा। बीत गया ये वक्त तो फिर वापस लौट नहीं आएगा। तजुर्बा कहता है बहुत पछताएगा। तजुर्बा कहता है बहुत पछताएगा। बाकियों का तो पता नहीं, बाकियों का तो पता नहीं, पर खुद को क्या मुंह दिखाएगा। ओके, तो बच्चों ये जो अभी मैंने कोट कहा है तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी अपनी पढ़ाई से दूर है, और ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो किसी मोटिवेशन या किसी परफेक्ट दिन के लिए वेट कर रहे हैं। टाइम इज वेरी प्रेशियस। ओके, आज के सेशन पे मैं सिर्फ टाइम के बारे में बात करूंगा। ये तो आपको भी पता है। ओके, और आपको भी शुरू करना है, लेकिन आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। आप किसी दिन या किसी मोटिवेशन या किसी परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि पता नहीं किस दिन के लिए वेट कर रहे हो। मैं यही कहूंगा, स्टॉप मेकिंग फूल टू योरसेल्फ। सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। गौतम बुद्ध हैज सेड कि हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। ओके, हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। देखिए, ये जितना भी टाइम बचा है उसका हर एक मिनट और हर एक सेकेंड आपके लिए कीमती है। टाइम ना आप इंक्रीज कर सकते हो ना मैं इंक्रीज कर सकता हूं। जितना टाइम टॉपर के पास है, जो 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करेगा और जो फेल हो जाएगा, दोनों के पास उतना ही टाइम है, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग होगा, है ना। ये रिजल्ट उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये 5 महीने या 6 महीने की जो प्रोसेस है इसमें आप क्या करते हो। मैं फिर भी कहूंगा, अगर आपको थोड़ा भी अपने ऊपर विश्वास है तो प्लीज स्टार्ट करिए। एंड नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। डोंट डाउट योरसेल्फ। आपके अंदर वो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। सिर्फ कंटिन्यू करिए। जो प्रोसेस आपने अभी तक नहीं फॉलो किया है उसको यहां से आगे कर सकते हो। ओके, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टूडे। किसी परफेक्ट दिन के लिए वेट मत करिए। आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, दो क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए। देखो, पढ़ाई को कभी भी आवर्स में मेजर नहीं किया जाता, लेकिन हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। आप कितना भी टाइम दे दो, इवनिंग का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, जितना टाइम आप दोगे उतना आपको पता चलेगा कि हम कितना अनअवेयर है बाकी चीजों से, है ना। कॉम्पिटिशन हमारे लिए वेट नहीं कर रहा है। हम अगर सो रहे हैं, हम अगर टाइम पास कर रहे हैं, हम अगर मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ गप्पों में बिजी हैं, तो ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे लोग यही कर रहे हैं। एवरीवन इज बिजी इन डूइंग देयर कंस्ट्रक्टिव वर्क। ओके, अगर आपको इस कॉम्पिटिशन में खुद को बनाए रखना है तो प्लीज जाग जाओ, टाइम नहीं है। अगर आपने सोचा है कि दिवाली के बाद करोगे तो वो दिवाली के बाद का समय कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आएगा, है ना। आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है तो वो अभी से स्टार्ट करिए, है ना। जिसने किया आज उसी ने किया राज। मतलब कि जो काम आज कर सकते हो उसको कल के लिए मत टालिए, है ना। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे बरसों बीत जाएंगे, लेकिन कल परसों तरसों कभी नहीं आएंगे। सो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जो आपके पास अवेलेबल साधन है उसी के साथ स्टार्ट करिए। किसी परफेक्ट रेफरेंस बुक के लिए वेट ना करिए। मैंने बार बार कहा है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सबसे बेस्ट बुक है। उनके ऊपर 100% फोकस करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नेक्स्ट थिंग, इट विल टेक टाइम। जैसे हम बहुत सारे लोग मूवीज में देखते हैं कि एक हीरो सडनली उठता है, 3-4 दिन काम करता है और उसका फ्यूचर बन जाता है। ये कोई रेडीमेड मैगी टाइप प्रोसेस नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है। दैट इज अ मूवी, है ना। मूवी में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें सडन मोटिवेशन चाहिए और सडन मोटिवेशन से हमें एक दिन में ही सब कुछ सक्सेस चाहिए, ये पॉसिबल सी बात नहीं है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपका 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th